ये करना सिखाओ। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग? तो यार आपको स्वागत है हमारे चैनल वीके नियन में। तो यार मैं आज आपको इस वीडियो में खास वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ जो कि टिकटॉक पे काफी ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है। तो जल्दी से जाइए, आप भी अपने टिकटॉक आईडी पे इसे बनाकर डालिए और खूब सारे लाइक्स बटोरिए। तो यार चलिए मैं आपको वीडियो बनाना सिखाता हूँ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में। तो यार वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, ये आपके भाई का चैनल है ऐसे ही ट्यूटोरियल्स देखने के लिए। तो चलिए मैं वीडियो बनाना सिखाता हूँ आपको 2 मिनट के अंदर। सो फ्रेंड्स, मैं आज को अपने मोबाइल स्क्रीन पर सिंपल आपको करना है कि आपको इस प्लस वाले अकाउंट पे टैप करना है। उसके बाद आपको 9.60 वाला रिव्यू सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको वीडियो किस प्रकार से शूट करनी है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो आपको वीडियो कुछ इस तरीके से शूट कर लेनी है, यहाँ पे आप देख लेना। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे हाथ को घुमाया, उसके बाद सामने की तरफ धक्का देते हुए हाथ को कुछ इस तरीके से एक्ट किया। आपको अगर कोई और थॉट आ जाता है तो आप उस तरीके से एक्ट को कर सकते हो। तो यार मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है, तो आपको अगर इस तरीके को कॉपी करना है तो कर सकते हो। अगर आपके मन में कुछ और आता है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो अब बारी आती है एडिट करने का। तो सिंपल से आपको इसमें एक ग्रीन स्क्रीन की जरूरत पड़ी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमेशा की तरह जाके उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आपको उसे लेयर के थ्रू, यहाँ पे आपको लेयर मिल जाता है, लेयर के थ्रू उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो सिंपल से आपको यहाँ पे लेयर पे टैप करना है, उसके बाद आपको मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद आपको उसे इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारी वीडियो जो है इंपोर्ट हो चुकी है, तो आपको कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ जहाँ तक हमारा ग्रीन स्क्रीन है। तो यहाँ पे मैंने क्रॉप कर लिया। तो सिंपल से अब आपको करना क्या, आपको बैक जाना है, उसके बाद सिंपल से फिर क्रॉपिंग पे जाना है। क्रॉपिंग पे जाने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे इनेबल कर देना है, उसके बाद आपको शेप को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ये स्क्वायर वाले शेप को जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे फेदर दिख रहा होगा, आपको इसे थोड़ा सा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद सिंपल से आपको बैक चले जाना है और आपका काम ये है कि आपको यहाँ पे एक क्रोमा की का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको थोड़ा सा इसे आगे लाना है, उसके बाद थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे हम बड़ा कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर से क्रोमा पे जाना है, उसके बाद आपको थोड़ा सा इसे आगे लाना है और इसे। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो सिंपल से आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे फिल्टर पे जाना है, इसके कलर को चेंज कर देना है। तो यहाँ पे हम इसके कलर को जो है वो चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर को चेंज कर दिया। तो सिंपल से मैं फिल्टर पे आया, फिल्टर पे आने के बाद सेकंड वाले कलर को चूज़ कर लिया। तो आपको भी इसी तरीके से कर लेना है। उसके बाद सिंपल से आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है पीछे की साइड और इसको थोड़ा सा वीडियो से मैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हाथ को लाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से घुमाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से मैच हो चुका है। तो आपको अब क्या करना है, सिंपल से यहीं पे लाना है और वीडियो को अपने जो फालतू भाग है उसको कट कर देना है। सीजर पे जाना है और आपको यहाँ पे ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेहेड पे टैप कर देना है। उसके बाद सिंपल से आपका वीडियो कट जाएगा साइड में। उसके बाद आपको सिंपल से करना क्या है, अब हमको बैकग्राउंड में जो है वो ब्लर इफेक्ट देना है। तो सिंपल से आपको करना क्या है, आपका वीडियो मैच हो चुका है, अब हमें ब्लर इफेक्ट देना है। तो सिंपल से ब्लर इफेक्ट देने के लिए आपको जब यहाँ पे आप अपने हाथ को आगे की तरफ करते हो तभी आपको जो है वो ब्लर इफेक्ट देना है। तो यहाँ से आपको देना है ब्लर इफेक्ट। तो सिंपल से आपको लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद आपको एफेक्ट्स पे जाना है, एफेक्ट्स पे जाने के बाद आपको यहाँ बेसिक इफेक्ट पे जाना है। बेसिक इफेक्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पहले वाले ब्लर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपको सिंपल से करना है, आपको ग्रीन स्क्रीन वाली लेयर पे टैप करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाना है, आपको यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट पे कर देना है। उसके बाद आपको सिंपल से करना है, एफेक्ट्स वाली लेयर पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एनिमेशन दे देना है। यहाँ पे आपको फेड पे जाना है, फेड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 0.5 के थोड़ा सा आगे कर देना है। करने के बाद एक बार आपको वीडियो चला के देख लेनी है कि आपकी वीडियो किस प्रकार से बनी है। तो यहाँ पे मैं एक बार वीडियो को चला के देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी वीडियो काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से बन चुकी है। मैंने आपको 2 मिनट में इस वीडियो को बनाना सिखा दिया। तो यार अब बारी आती है इसे सेव करने की। तो आपको सिंपल से साइड में शेयर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस पर टैप कर देना है। टैप करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे नीचे एक्सपोर्ट दिख रहा है, आपको इस पर टैप करके अपनी वीडियो को सेव कर लेना है। तो यार यहाँ पे हमारी वीडियो सेव हो रही है। अब आपको क्या करना है, आपको टिकटॉक पे जाना है, सिंपल से इसे अपलोड करके खूब सारे लाइक्स बटोर लेने हैं यार। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार ऐसे ही टिकटॉक ट्यूटोरियल्स को पाने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।